नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार और ट्विटर के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। कभी कभी युद्ध विराम हो जाता है और कभी कभी ये युद्ध बहुत तेज हो जाता है और बिल्कुल आर पार वाली सिचुएशन हो जाती है। कभी कभी जब ट्विटर अपने बात पे अड़ा रहता है तो माहौल ऐसा बन जाता है कि चाइना की 59 ऐप की तरह ही भारत सरकार ट्विटर को बैन कर देगी और ऐसा लग भी रहा है कि ट्विटर को एक दिन भारतीयों के मोबाइल में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। अब दो सवाल हैं, पहला कि ट्विटर और भारत सरकार की टकराव की वजह क्या है और दूसरा अगर ट्विटर को भारत से बैन कर दिया तो फिर कौन सी सोशल मीडिया ऐप ट्विटर का ऑप्शन बनेगी। अब जो पहला सवाल है कि ट्विटर और भारत सरकार में टकराव की वजह क्या है, दरअसल यही दूसरे सवाल कि ट्विटर का ऑप्शन क्या होगा, उसका जवाब भी इसी में है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार ने कुछ नए कानून बनाए हैं और भारत सरकार का साफ कहना है कि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो भारत में काम करें, भारत में पैसे कमाएं, लेकिन जो नई टर्म एंड कंडीशन है उसका पालन करें। तो आइए एक बार जानें कि भारत सरकार के नए नियम और कानून क्या हैं। नंबर एक, जितने भी विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी हैं सभी का भारत में एक हेड ऑफिस होना चाहिए और उसका अधिकारी मैनेजर जो सबसे बड़ा सीनियर अधिकारी होगा वो भारतीय ही होना चाहिए। नंबर दो, जिस सोशल मीडिया ऐप पर कोई गलत कंटेंट पोस्ट या अपलोड किया गया है और लोग उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हिंसात्मक कंटेंट है और किसी ने उस पर रिपोर्ट कर दी, तो उस सोशल मीडिया ऐप ने उस पर क्या कार्रवाई की, इसका जवाब भारतीय संबंधित विभाग को उस एप्लीकेशन को देना होगा। यानी इंडिया में जो उस कंपनी का ऑफिस है वहां से क्या कार्रवाई हुई उसकी रिपोर्ट देनी होगी। नंबर तीन, अगर किसी सोशल मीडिया ऐप पर ऐसा कंटेंट वायरल हो रहा है जिससे देश का सांप्रदायिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है या किसी धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है या वो कंटेंट देश की एकता और अखंडता के हित को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बनाया गया है, तो ऐसे कंटेंट को तुरंत टेक डाउन किया जाए और वो सोशल मीडिया ऐप जिस पर इस तरह का कंटेंट अपलोड किया गया है वो उस सोशल मीडिया ऐप की जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति का पता करे जिसने ऐसे कंटेंट को सबसे पहले अपलोड किया है। लेकिन दोस्तों, ट्विटर भारत सरकार के बनाए इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। भारत सरकार से कुछ टाइम मांगकर भी ट्विटर पूरी तरह से इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है और देश विरोधी हैशटैग को बैन नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर ट्विटर भी अपनी अकड़ दिखा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि कभी भी सरकार ट्विटर पर 59 चाइनीज ऐप्स वाला एक्शन ले सकती है। अब दूसरा सवाल कि ट्विटर का ऑप्शन क्या रहेगा, तो यूएसए की एक कंपनी ऑन पैसिव जो एक आईटी कंपनी है वो 50-60 डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रही है, उनमें से एक है ओनेट जो सोशल मीडिया ऐप है। ओनेट एआई टेक्नोलॉजी से लैस एक एडवांस सोशल मीडिया ऐप है जिसको डेवलप किया जा रहा है। ऑन पैसिव कंपनी का भारत के हैदराबाद में हेड ऑफिस है, उसमें काम करने वाले अधिकारी भी भारतीय हैं। तो अगर ट्विटर बैन हुआ तो ओनेट सरकार के नियम और शर्तों के हिसाब से काम करेगा और ट्विटर का सही विकल्प ओनेट रहेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।